मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल के सी आई टेली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में आप लोगों ने लेज़र को हम कैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं आपने देखा। आज की मेरी क्लास का टॉपिक हम लेज़र के आगे बताएंगे आपको कि हम वाउचर को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वाउचर को हम कैसे इम्पोर्ट करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तथा हम ये भी बताएंगे आपको कि हम अपने जो टैली कंपनी की जो रिपोर्ट्स होती हैं जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, इसे हम कैसे अदर सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम करके देखने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, तथा हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें, बिकॉज जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली क्लास को अटेंड कर पाए, तथा वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं इस क्लास में कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कवर करने वाला हूं, तो वीडियोस को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम कैसे अपने फाइल्स को, अपने डेटा को हम कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। एक तो बार फिर चलिए से देखते रिचेक हैं। करा देते हैं। हमारे सामने दो कंपनी, एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग कंपनी ओपन है। इसमें केसीआई ट्रेडिंग कंपनी और आपका केसीआई ग्रुप्स है। आप देखेंगे केसीआई ट्रेडिंग कंपनी में सारे लेजर अवेलेबल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तथा हम यहीं पर आपको बैलेंस शीट में पूरा डिटेल चेक करा दें। बैलेंस शीट भी इसका शो हो रहा है, कंप्लीट डिटेल बैलेंस शीट का आ रहा है। प्रॉफिट केसीआई एंड लॉस ट्रेडिंग कंपनी कंपनी का प्रॉफिट लॉस का आपका पूरा डिटेल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल आपका प्रॉफिट है वो इसमें दिखा रहा है। मेरा ये दिखाने का बस एक ही मतलब है कि आप ये जान सकें कि केसीआई ट्रेडिंग कंपनी जो है वो वर्किंग कंपनी है। चलिए चलते हैं हम इसमें और देख लेते हैं। हम डिस्प्ले में चले जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं डे बुक। डे बुक मीन्स होता है रोज नामचा, जो हम रोज लेन देन करते हैं। तो यहाँ पर वाउचर्स, जो वाउचर्स किए गए हैं वो सारे वाउचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं चेक कर लेते हैं जो मेरी नॉन वर्किंग कंपनी है केसीआई ग्रुप्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में लेजर्स को ट्रांसफर करके दिखाया था, लेजर्स को एक्सपोर्ट करके दिखाया था आप लोगों को। तो हम चेक कर लेते हैं कि लेजर्स इसमें है या नहीं है। आप देख पा रहे हैं लेजर्स अवेलेबल है। हम बैक चले जाते हैं, हम यहाँ पर जा करके बैलेंस शीट चेक करते हैं इस कंपनी में। अभी बैलेंस शीट में ना कोई लाइबिलिटी है ना कोई असेट्स है, आप देख पा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अभी कोई अमाउंट नहीं शो कर रहा है, बिकॉज अभी हम केवल लेजर को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किए हैं इसमें, ना कि वाउचर्स को। वाउचर्स को जब हम इम्पोर्ट करेंगे वर्किंग कंपनी से एक्सपोर्ट करके अपने नॉन वर्किंग कंपनी में, जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट अमाउंट शो होने लगेगा। आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट हम जिस कंपनी से करते हैं उसे हम सोर्स कंपनी कहते हैं, और जिस कंपनी में हम इंपोर्ट करते हैं वो कंपनी हमारी डेस्टिनेशन कंपनी होती है। जैसे यहाँ पर हमारा केसीआई ट्रेडिंग कंपनी जो है वो सोर्स कंपनी है, एंड केसीआई ग्रुप्स जो है आपका वो आपका डेस्टिनेशन कंपनी है। तो चलते हैं हम वाउचर करके देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपनी वर्किंग कंपनी केसीआई ट्रेडिंग कंपनी, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे क्लिक करके। चलते हैं हम वाउचर्स पे, जो वाउचर्स हमें ट्रांसफर करने के लिए हम एक पर्टिकुलर वाउचर में ना जा करके डिस्प्ले में हम डे बुक पर जाते हैं। एक दिन में जो किया गया काम है या उसका हम पीरियड सेट करते हैं। पीरियड हमें चेंज करना है तो हम अल्ट प्लस F2 करते हैं, या इस पर जो आपका फाइनेंशियल ईयर का पीरियड है वो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो कंप्लीट वाउचर जो काम किया गया हमें आपको समझाना है स्टेप्स को। यहाँ पर मैंने एक पीरियड दिया, उस पीरियड में जितने भी वाउचर्स क्रिएट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। हालांकि इसमें एक ही दिन का वाउचर दिखा रहा है, तो जो वाउचर किया गया होगा वो इसमें दिख जाएगा। हम पर डे का वाउचर ट्रांसफर कर सकते हैं, या हम पूरे महीने का वाउचर ट्रांसफर कर सकते हैं, या पूरे फाइनेंशियल ईयर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर का वाउचर ट्रांसफर कर सकते हैं, जो आपके टैली कंपनी में जो भी वाउचर्स बने होंगे। तो हम यहाँ चलते हैं, अब हमें ये वाउचर को अपना एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम चाहे यहाँ पर जाकर के एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें, या इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस ई। आप जानते हैं कैरेक्टर के नीचे अगर सिंगल लाइन है तो उसे हम अल्ट कहते हैं। अल्ट ई हम कर देंगे तो एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। हम बैक करके जाते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज में डिफॉल्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट में XML, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट में XML, डेटा इंटरचेंज मीन्स हम जब टैली से टैली में लेन देन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो XML फॉर्मेट रखते हैं, एंटर करते हैं। एक्सपोर्ट लोकेशन में वही लोकेशन है जहां पर मेरा डेटा अवेलेबल है। आउटपुट, जो फाइल मेरी आउटपुट होगी, जो एक क्लाउड पे स्टोर हो जाता है, जब तक हम इंपोर्ट नहीं करते हैं दूसरी कंपनी में तब तक ये
टैली का जो डेस्टिनेशन पाथ है जहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी लोकेशन में ऐड रहता है टैली डॉट ईआरपी 9 में। तो यहां से हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें फाइल नेम अवेलेबल है चूंकि डेबुक, हम पाउचर को डेबुक भी कहते हैं तो डेबुक डॉट एक्सएमएल रहने देंगे, एंटर करेंगे। हमें एक्सपोर्ट लोकेशन की जरूरत नहीं है तो अभी हम इसको नो रखेंगे। यहां से कंस्टेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको डिटेल्ड कर सकते हैं, डिटेल्ड कर देंगे तो वहां डिटेल्ड में शो करेगा, कंस्टेंट कर देंगे तो कंस्टेंट में शो करेगा। एंटर करते आते हैं, अगर कोई नरेशन वगैरह हमने दिया है तो हम उसको भी ऐड कर देंगे, बिल वाइज डिटेल वगैरह दिया है तो उसे भी हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। एंटर करते चले जाएंगे, जो काम हमने किया है वो सारा कुछ इसमें होता आ जाएगा। एंटर करते हुए हम आ जाएंगे आल वाउचर्स करके, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ओवर राइट होकर के आ गया। हम बैक चलते हैं, हमारे केसीआई ट्रेडिंग कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नॉन वर्किंग कंपनी को, यहां से हाईलाइट करते हैं और हम चलते हैं इंपोर्ट अब डाटा पर, और यहां से हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं जो हमने अभी एक्सपोर्ट किया है। हमने वाउचर एक्सपोर्ट किया है तो हम वाउचर, चूंकि हम मास्टर पहले ही इंपोर्ट कर चुके हैं इस कंपनी में, हम चलते हैं जो एक्सपोर्ट डेटा है मेरा, वाउचर जो एक्सपोर्ट किया है हमने केसीआई ट्रेडिंग कंपनी से, उसे हम केसीआई ग्रुप्स में इंपोर्ट करते हैं वाउचर के थ्रू। वाउचर पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जो आपका आउटपुट फाइल नेम है, जो इंपोर्ट इंपोर्टेड फाइल नेम है वो आपका डेबुक डॉट एक्सएमएल है, डेबुक डॉट एक्सएमएल। एंटर करेंगे, आप देख पा रहे हैं डेबुक आपका इंपोर्ट हो गया, कहने का मतलब हमने रिसीव कर लिया। इसी तरीके से बैंक वगैरह की डिटेल भी हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चेक करते हैं, अभी तक मेरे बैलेंस शीट में कुछ नहीं था, देखते हैं। आप देख पा रहे हैं केसीआई ग्रुप कंपनी में बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज भी शो करने लगा और एसेट्स भी शो करने लगा, क्योंकि मेन वाउचर है। जब वाउचर इन कर जाएगा, वाउचर आप इम्पोर्ट कर लिए तो सारा कुछ हूबहू आपको केसीआई ट्रेडिंग कंपनीज की तरीके से ही मिलने लगेगा, क्योंकि अपने सेम सारी डिटेल्स को अपने इसमें एक्सपोर्ट किया हुआ है। केसीआई ट्रेडिंग कंपनी का सेम डिटेल एक्सपोर्ट हुआ है जो हमने केसीआई ग्रुप्स में इंपोर्ट कर लिया है, आप देख पा रहे हैं कंप्लीट डिटेल। हम चलते हैं देखते हैं सारे वाउचर्स आ गए नहीं आ गए, डेबुक में जाकर के एंटर करेंगे। आप देख पा रहे हैं कंप्लीट वाउचर्स आपके सामने हैं, अगर कुछ छिपा हुआ है तो हम यहाँ से अल्ट एफ टू करके पीरियड चेंज करेंगे और यहाँ पर हम पीरियड देंगे तो जो वाउचर छिपा रहेगा वो भी आपके सामने आकर के प्रेजेंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने पिछली क्लास में आपने लेजर को कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, इसमें हमने आपको वाउचर हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वर्किंग कंपनी से नॉन वर्किंग कंपनी में, हम उसको कैसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं सेम हो गई दोनों कंपनीज। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं रिपोर्ट्स को अदर सॉफ्टवेयर में हम कैसे एक्सपोर्ट करते हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे हम अगर हमें अदर सॉफ्टवेयर में, कहने का मतलब चाहे हमें फोटो फॉर्मेट में जेपीईजी फॉर्मेट में करना हो या डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट में जिसे हम एक्सेल कहते हैं, या फिर हम एचटीएमएल फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो हम यहां से जा करके कर सकते हैं। रिपोर्ट्स को हम भेजते हैं जिसमें मेन बैलेंस शीट हम भेज सकते हैं, प्रॉफिट लॉस भेजते हैं या हम ट्रायल बैलेंस भेजते हैं। तो हम चलते हैं बैलेंस शीट को भेज करके देखते हैं, एंटर करते हैं। आपके सामने केसीआई ग्रुप्स का बैलेंस शीट खुल करके आ गया है, यहां से हम अल्ट ई करेंगे, आपके सामने एक्सपोर्ट बैलेंस शीट डायलॉग बॉक्स आ गया। लैंग्वेज में हम डिफॉल्ट रखेंगे, बट फॉर्मेट हमने जिस सॉफ्टवेयर में ले जाना है, जिस प्रोग्राम में हमें एक्सपोर्ट करना अपनी फाइल को, वहां का हम फॉर्मेट देंगे। जैसे हमें एक्सेल स्प्रेडशीट में ले जाना है, हम एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ से चुन लिए। हम जेपीईजी फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, एंटर करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट लोकेशन भी आ गया इसमें, कहाँ से एक्सपोर्ट होना है। जस्ट नीचे आउटपुट फाइल नेम आ गया, बी सीट का मतलब होता है बैलेंस शीट, डॉट किस फॉर्मेट में जा रहा है, डॉट एक्सएलएस एक्स जो एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। पुट सीट नेम, बैलेंस शीट कंप्लीट सीट नेम आ रहा है उसका, एंटर करते आ जाते हैं। अपडेट एग्जिटिंग जो है अपडेटेड जाएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग यस रहेगा। विद कलर अगर हम ले जाना चाहते हैं, जैसे हमारे टैली का कलर है बैलेंस शीट का, अगर हम उस विद कलर ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से यस कर लें। यहाँ अगर हम ओपन एक्सपोर्टेड फाइल लोकेशन को यस कर देते हैं तो हमें लोकेशन में, इस लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली लोकेशन फोल्डर में हमारे पास
जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी फाइल डायरेक्ट ओपन होकर के आ जाएगी। यहां हम यस कर लेते हैं, यहां हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। सो बेस करेंसी सिंबल, अगर हम करेंसी सिंबल ऐड करके लाना चाहते हैं तो हम यहां यस करें, अन्यथा नो रहने दें, डिटेल्ड रहने देंगे। अगर बैलेंस शीट हम वर्टिकल में चाहते हैं तो हम यहां पर यस करें, अन्यथा जैसे हम हमारा टैली में है उसी तरीके से वहां शो करेगा। प्रॉफिट और लॉस बोथ हैज लाइबिलिटीज, दोनों अगर देखना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। चूंकि हमें सेम लेना है तो हम यहां नो रहने देते हैं। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं, इसमें सारे ऑप्शन आपको दिखा रहा है। लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो फॉर्मेट हम उसी फॉर्मेट में ले रहे हैं। एंटर करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो गया है। ऐसे हम फोटो फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, HTML फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ओपन एक्सपोर्टेड लोकेशन हमने यस करा था, इसलिए डायरेक्ट मेरी फाइल खुल करके आ गई। आप देख रहे हैं इधर लाइबिलिटी शो कर रहा है और इधर आपका एसेट्स शो कर रहा है। ये आपका बैलेंस शीट एक्सेल में ओपन होकर के आ गया। हम यहां से इसको बंद कर दें। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो हमारा एक्सपोर्टेड लोकेशन हमने हमें चले जाते हैं, यहां से हम चले जाएं प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम फाइल में टैली में चले जाते हैं और यहां पर होता है tally.erp9। आप देख रहे हैं यहां पर बी सीट, ये बी सीट आपको दिख रहा है, मतलब जो एक्सपोर्ट हमने किया है फाइल को वही फाइल यहां पर दिख रही है। आप देख पा रहे हैं, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। आप देख रहे हैं वही सेम फाइल हमें यहां से, तो हमने वहां पर सेट किया था ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, तो यस कर दिया था तो डायरेक्ट ओपन हो गया था फाइल। बट अगर हम वहां पर नो रखते तो हमें यहां लोकेशन में जाकर के ओपन करना पड़ता। तो आपने देखा कि हमने कैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर को कैसे एक्सपोर्ट किया, ये आपने पिछली क्लास में देखा। आज की क्लास में आपने देखा कि हम वाउचर्स को कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तथा हम अपने टैली सॉफ्टवेयर से अदर सॉफ्टवेयर में अपने डेटा को, हम अपने रिपोर्ट्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और वहां पर हम उसको ओपन कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बचा हुआ पार्ट था वो मैंने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।